Jasmine. मैं तेरा सच्चा प्यार सनी। मैनू साडे ब्याह वाले दिन किसी ने जानो मार दिता सी। काश मैं उस दिन सिरा सजा के तेरे तक पहुंच जाता। काश मैनू तेरे नाल ब्याह करन लई इन्नी मेहनत ना करनी पैंदी। मैं जानदा तू भी बहुत तड़फी आएंगी। पर हुण कोई गल नहीं, मैं दोबारा इत्थे तेरे नाल ब्याह करना आया ते इस वार मैं तेरे नाल ब्याह करके रवांगा। बस तू थोड़ा इंतजार कर। फिर दिवांश दा है शरीर हमेशा ले हमेशा नहीं मेरा हो जाए ते तू बनेगी जैस्मिन मेरी बूटी, मेरी प्यारी बूटी। सनी किथे है तू? बाहर आ सनी, सामने आके मेरा मुकाबला कर। सनी कौन है? नाले ये नया नैनी खतरनाक क्यों लग रही है? आज जितना किसे देवी ने रुद्र रूप धारण कर लिया। ए सनी किते वही सनी तो नहीं? मतलब नैन तेनू पता लग गया कि मैं कौन आ। इस सनी दी आत्मा करके मेरे दिवांश जी पता नहीं कितना कुछ बर्दाश्त करना पै रहा। पर नैन पर तू मेरा मुकाबला करेंगे किदा? क्योंकि मैनू हरा के जितने लई तेनू तेरे पति ते हमला करना पड़ा। मजे की गल तो है कि सट मैनू नहीं तेरे घर वाले नू लगेगी। खून मेरा नहीं तेरे घर वाले का वगेगा। दर्द मैनू नहीं तेरे पति नू होएगा। क्योंकि मैं तो बस एक आत्मा। आत्मा कुछ महसूस नहीं करती। सो हुण दस किद्दां करेंगी तू मेरा मुकाबला?
नहीं, मैं कमजोर नहीं पै सकती। मैनू अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देवांश जी के नाल नहीं बल्कि शैतान के नाल लड़न वाली। भगवान ने कहा है कि कदे कदे अपने आप की जान की रक्षा के लिए अपने उपर भी वार करना पैना, ते आज ए पत्नी अपना पत्नी धर्म निभाण दे रही, अपने पति नाल भी लड़ी, चाहे जो भी क्यों ना हो जाए, आज इस लड़ाई दे विच या तो तू जीतेगा या फिर मेरी मौत होई। आज मैं भी उदों तक लड़ांगी जब तक मैं अपने दीवान जिन्हों तेरे तो मुक्त नहीं करा लें, फिर चाहे उस विच मेरी जान ही क्यों ना चली जाए मैनू मंजूर। तालियां तेरी मंजूरी पे, ठीक है फिर तू करके दिखा मेरा मुकाबला। हे मन है ना दी, अपनी दीदी मदद कर, आज सवाल मेरे दिवास जी की जिंदगी मैं हार नहीं सकती। करेंगी मेरा मुकाबला, पहला अपना हथियार पर चक लै। की करेंगी हो गया। दीदी जी मैनू लगता है दिवांश की आत्मा ना उस प्रेत आत्मा ना लड़न की कोशिश कर रही है, ते नयन दी चीख सुन के दिवांश की आत्मा नू बल मिल रहा है। भी यह नैन दिवाच को पूरे मन आवाज लाती है, इस दिवाच बखरी जी शक्ति की आ जाती है। दिवाच जी
दिवाजी तुम ठीक तो हो ना? दिवाजी देख, दिवांश फिर उस आत्मा दी वस जा गया। सनी, सनी छोड़ मेनू। लगता सनी दी आत्मा फिर दिवांश के अंदर आ गई। उस त्रिशूल तक मैं तेनू कदे पहुंचन नहीं देंगा नयन। इस आत्मा के सामने ढेर हो गई है, हुन साड़ी जित पक्की है। मैं तेनूं क्या सी ना नयन कि तू मेरा मुकाबला कदे नहीं कर सकेंगे। आज तेरा दिवांश तो मरेगा ही मरेगा। राजो दे नाल नाल तू भी मरेगी। ये सी कितने हैं? पंडित जी, पंडित जी, आखिर इसी है कितने? इसी इतने आए कितना? ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। पंडित जी, मेरे शरीर से जान क्यों नहीं?
मैं तो खड़ा क्यों नहीं हुआ जा रहा? पांडे जी तेरे सोन का टाइम हो गया, चल सो जा। नहीं नहीं ऐसा ना करो, मैं सोना नहीं चाहता। रुक जा। हो गई तेरी खेड़ खत्म, हुण बाकी दिया खेड़ा जेल च जाके खेड़ी, लेके जाओ इन्हों। इंस्पेक्टर साहब मेरी गल तां सुनो, ऐदां तां कुछ नहीं आ, मैं दसदी आ। पंडित जी, जीवन फिकर ना करो, हुण तुसीं दोवें सेफ हो। मर्जी कर ले सही, हज तू मता नैना देवी जी वास तो बच नहीं सकता, हज तेरी मौत पक्की। इन्हों तो सब कुछ देख के घबराहट जी हो रही है। लगता है नैन नू पता चल गया कि मेरी आत्मा की ताकत दिवांश की धुनी च है, इसलिए बार बार सोच समझ के उत्थे ही वार कर रही है। सनी दीदी जी, हुण की होएगा? पंपी, बस थोड़ी देर होर इंतजार कर, नयन दिवांश का मुकाबला ज्यादा देर नहीं कर सकेगी, क्योंकि जिवें चन्न सिर ते आएगा इस आत्मा का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकेगा।
यदा मतलब सनी समझ गया कि मैं जानती हूँ कि ओदी जान ओदी धुनी च है, तो इसलिए मैं सिर्फ ओदी धुनी ते वार कर रही हूँ। हुण की करा? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती नयन, आज तेरे दिवांश ने मरना ही देगा।